उन लोग से थोड़ा रूबरू आप लोगों को कराते हैं। आप लोग खेल का भी इंजॉय लीजिए और मंच का भी इंजॉय लीजिए, साथ ही साथ दोनों कीजिए। तो चलिए, आज का दिन बहुत शुभ दिन है, आज हम लोगों के लिए बहुत शुभ दिन है कि आज हमारे बीच में कांके थाना के मंच पे उपस्थित है। हम उनसे आप लोगों का रूबरू कराते हैं और बैठ बनाकर सम्मानित करने का आग्रह करते हैं एजाज अंसारी जी को। अस्सलाम अंसारी, चलिए ये असलम अंसारी जी हमारे पिठोरिया थाना प्रभारी जो नए पद आज संभाले हैं उनको बैठ बना कर सम्मानित कर रहे हैं हमारे असलम भाई। तो यही हमारे रक्षक थाना प्रभारी जो है आज नए नए आए हैं, हम इनका क्षेत्र से इस पिठोरिया थाना क्षेत्र से मोस्ट वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये हम लोगों की सोच पे खड़ा उतरेंगे और हम लोग के रक्षक के लिए 24 घंटा अवेलेबल रहेंगे। चलिए अब यहाँ पे रांची जिला ग्रामीण क्षेत्र के अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेश बैठा जी उपस्थित हैं, उनको फूल और बैठ पाना का सम्मानित करेंगे मसीउद्दीन अंसारी जी। मसीउद्दीन अंसारी जी सुरेश भैया को कोई नए आदमी नहीं है, बहुत पुराने आदमी है कांग्रेस के, ये कई बार इन्होंने विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन हम लोग का बदकिस्मती है कि इसको इनको सिंहासन पे हम लोग जगह नहीं देते। और एक समय में शायद फुटबॉलर भी रह चुके हैं। चलिए ये सुरेश बैठा है, इनको किसी का परिचय का मोहताज नहीं है, यह बहुत पुराने चीज है और हमेशा सभी लोगों का दुख सुख में पहुंचते रहते हैं। यही है सुरेश बैठा, हम लोग का बदकिस्मती से इनको सियांसर पे हम लोग जगह नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आने वाले कल में इनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको सियांसर पे बैठा दे। तो चलिए ये दो वरिष्ठ लोगों का नाम आया। अब आते हैं यहाँ पे अमन गुरु पोर्टफेयर ट्रस्ट, जिन लोगों को आप लोगों ने टीवी में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में आप लोग देखे होंगे, आज आप लोगों को इस मैदान में लाइव दिखाते हैं। भाई खिलाड़ी का अगर डिस्टर्ब होगा तो इधर सिग्नल आप लोग दीजिएगा। चलिए हम नाम लेना चाहेंगे यहाँ पे अमन गुरु वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष अताउल्ला अंसारी जी, जो अमन गुरु वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और फुटकल टोली के पूर्व सदर भी हैं और जिला परिषद के निर्वाचित रह चुके हैं, जो हमारे सामने आपके सामने इस मंच पे बैठे हुए हैं। हम एजाज अंसारी जी से आग्रह करेंगे कि फूल और माला और बैट पहना कर सम्मानित करेंगे। चले ये हमारे अध्यक्ष अताउल्ला अंसारी जी, जो अमन ग्रुप के अध्यक्ष हैं और फुटकर टोली के पूर्व सदर भी हैं, इनका हमेशा से समाज में एक अच्छा रिपोर्टेशन रहा है, ये सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं और इनका उद्देश्य भी यही है कि निष्पक्ष निस्वार्थ होकर के हम समाज में हम हमेशा तत्पर रहे, काम करते रहे, लोगों का काम आते रहे। तो यही है हमारे अमन ग्रुप का अध्यक्ष अताउल्ला अंसारी जी। अमर ग्रुप के संरक्षक अजीत अंसारी जी जो यहाँ पे मौजूद है, जो सुकुरहुट्टू के रहने वाले हैं और वर्तमान में सुकुरहुट्टू बस्ती के सदर भी हैं। अजीत अंसारी जी और अच्छा, अजीत अंसारी जी को हम आग्रह करें कि ओयना बस्ती के कोई भी सदस्य आकर इनको आलम अंसारी जी माला और बुके देकर सम्मानित करेंगे। उसके बाद अमर गुरु के एजेंट संरक्षक समीर बरिहार जी जो अभी अभी मैदान में उपस्थित हुए हैं, मंच पे यहाँ पे हैं, हम आग्रह करेंगे कि वो आ करके कलीम अंसारी जी बैज और फूल पहनाकर सम्मानित करेंगे। अमर गुरु के संरक्षक भी हैं और जिला परिषद के निर्वाचक वर्तमान में रह चुके हैं और अभी तुरंत में नॉमिनेशन आज किए हैं, बढ़ू प्रखंड अंजुमन कमेटी के सदर के रूप में इन्होंने आज पर्चा भरे हैं। और नंबर तीसरा में चौथा में मेरा खुद से नाम है, मेरा नाम अमन राज हुआ और अमन गुरु वेलफेयर ट्रस्ट के हम सचिव हुए, आपको फूल बरकत पाएंगे भाई।
चलिए हमारे बड़े बुजुर्ग सब पहनेंगे, चलिए हमारे सुरेश भैया ये खुद से चाह रहे कि हम अमरनाथ को पहना दे, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाजी अयूब अंसारी साहब यहाँ पे मौजूद है, जो पूर्व सदर ओइना के जो रह चुके हैं उनको तो माला पहनाकर और बैच पहनाकर सम्मानित करेगा मोहित भाई। हमारे